हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सैयद एकेडमी ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेक्चर पे व्हिच आल्सो बिलोंग्स टू सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। सो ये थ्योरी है रॉबर्ट मर्टन इनोमी थ्योरी ऑफ क्राइम, इसको गोल एंड मीन थ्योरी भी कहते हैं, एज वेल एज मर्टन स्ट्रेंथ थ्योरी। सो अगर पेपर में, क्रिमिनोलॉजी के पेपर में या इनके सीएसएस के क्रिमिनोलॉजी के पेपर में जिस नाम से भी आए, सो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, यू हैव टू राइट द सेम थ्योरी। सो दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड रॉबर्ट मर्टन इनोमी थ्योरी ऑफ क्राइम, गोल एंड मीन थ्योरी, एज वेल एज मर्टन स्ट्रेंथ थ्योरी। सो बिफोर कमिंग टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट अ क्विक ग्लांस दैट हु इज रॉबर्ट मर्टन। सो मैं सिर्फ इसको एक रीड आउट दूंगा, इट्स वेरी सिंपल टू नो अबाउट हिम। रॉबर्ट किंग मर्टन, बोर्न ऑन 4 July 1910 एंड डाइड ऑन 23 February 2003, ही वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। He spent most of his career in teaching at Columbia University, where he attained the rank of university professor. In 1944, he was awarded the National Medal of Science for his contributions to the field, for having founded sociology of science. This is a bit important to know about Robert Merton here, who is basically he. So, आप अगर theory के start में भी अगर थोड़ा सा introduction दे रहे हैं Robert Merton का, उसके अचीवमेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, सो इट इज गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द रॉबर्ट मर्टन थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ रॉबर्ट मर्टन थ्योरी। इस स्टेटमेंट को समझे, दिस इज वेरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आप थ्योरी के बारे में समझ जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा, एंड द अपकमिंग स्लाइड्स विल बिकम इजी फॉर यू पीपल। सो लेट्स नो अबाउट द स्टेटमेंट। एवरी सोसाइटी इनकरेजेस इट्स पीपल टू अचीव सोसाइटल गोल्स लाइक वेल्थ, possession, high status, fame, higher education. मैंने ब्रैकेट में लिखा है अमेरिकन ड्रीम्स। तो रॉबर्ट मर्टन ने इन चीजों को अमेरिकन ड्रीम्स का नाम दिया था, लाइक वेल्थ, पोजिशन, हाई स्टेटस, फेम एंड हायर एजुकेशन। दीज वर द अमेरिकन ड्रीम्स ऑफ द पीपल। सो स्टेटमेंट का पहला जुमला जो है कि एवरी सोसाइटी इनकरेजेस इट्स पीपल टू अचीव द अमेरिकन ड्रीम्स, एक पॉइंट ये हो गया। अब है अमेरिकन ड्रीम को क्या है, यही है जो हाई स्टेटस है, फेम है, हायर एजुकेशन है, वेल्थ है। सो दिस आर द अमेरिकन ड्रीम्स। अब है व्हेन पीपल फेल टू अचीव दीज सोसाइटल गोल्स, मतलब जो ये अमेरिकन ड्रीम्स है, जब लोग नाकाम हो जाए उसको अचीव करने में थ्रू लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशनल मीन्स, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से इसको अचीव करने में फेल हो जाए, दे फ्रस्ट्रेट एंड इनोमी डिवेलप्स एंड दे अडॉप्ट themselves into one of the five mode of adaptation. अब थ्योरी का असल पोर्शन ये है, फिर ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और यहाँ पर इनोमी डेवलप हो जाती है उस बंदे में। इनोमी से मुराद स्ट्रेन, अब मैं बताऊंगा कि स्ट्रेन क्या है, इनोमी क्या है। तो जब ये इनोमी डेवलप हो जाए उसके बाद फिर वो बंदा अपने आप को 5 मोड ऑफ एडाप्टेशन के एक मोड में एडजस्ट कर देता है, मतलब देन ही चूज अ पाथ of one of the five mode of adaptations. तो हम पढ़ेंगे कि एनोमी क्या है, मतलब स्ट्रेन क्या है, और ये five mode of adaptation क्या है। So in a simple way, this statement means that every society encourages its people to achieve the American dreams like position, high status, fame, education. When people fail to achieve these goals through legal means, they frustrate and enomy develop ho jati hai, and they adopt themselves into one of the five mode of adaptations. So the American dreams ke bare mein to aap jaan gaye ki American dreams kya hai. Ab padhte hai ki what is enomy. So this term is firstly used by Emile Durkheim. It means breakdown of social norms and values. So enomy ka word sabse pehle Emile Durkheim ne use kiya tha, jiska matlab hai social norms and values ki breakdown. In a simple way ke maashre mein when there is a breakdown, when there is disturbance, where there is disorganization of the norms of the and the values of society, so this is enomy. So abhi main mazid enomy ke word ko open kar deta hu ke enomy hai kya. Enomy means like strain. So what does it mean? It means the anger of a person, the frustration, the resentment experienced by people who believe that they cannot achieve their goals through legal means or through legitimate means. In short, it is unpleasant emotional condition. Simple iska enomy ka ye matlab hai ki ye wo gussa hai, wo frustration hai, वो रिजेंटमेंट है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब ये अपने उस मकासद को हासिल नहीं कर सकते,
इन अ सिंपल वे इट इज अनप्लीजेंट इमोशनल कंडीशन, ये एक नाखुशगवार इमोशनल मेंटल सिचुएशन होती है इंसान की, वो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो स्ट्रेस होती है इंसान की. सो दिस इज इनोमी. सो जब इंसान, जब माशरे में एक इंडिविजुअल अपने मकासद, अपने उस अमेरिकन ड्रीम्स लाइक हायर एजुकेशन, वेल्थ, स्टेटस को अचीव नहीं कर पाता, फिर ये स्ट्रैंड डिवेलप होती है, मीन्स इनोमी डिवेलप होती है, और उसके बाद वो इंडिविजुअल अपने आप को फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन के एक मोड में अडाप्ट कर देता है. सो अब पढ़ते हैं कि फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मर्टन थ्योरी. फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू मर्टन, फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन आर बेसिकली फाइव टाइप्स ऑफ डिवियंस बेस्ड ऑन हिज क्राइटेरिया विच आर मेंशन्ड बिलो. सो फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन ये है: कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रेबेलियन. इसके सामने लिखा है गोल और मीन. दिस वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल एंड मीन थ्योरी एज वेल. सो ये वो पांच मोड है एडाप्टेशन के जिसमें वो इंडिविजुअल अपने आप को एडाप्ट कर देता है. सो गोल का यहां पर क्या मतलब है और मीन का यहां पर क्या मतलब है तो मैं आपको बता दूं. गोल का यहां पर यह मतलब है सोसाइटल गोल, मीन्स वही अमेरिकन ड्रीम्स जो कि वेल्थ है, हाई स्टेटस है, एजुकेशन है, फेम है. सो ये इस गोल की बात हो रही है. और मीन का यहाँ पर मतलब लेजिटिमेट मीन है, मतलब लेजिटिमेट और लीगल वे टू अचीव दीज गोल्स. सो कन्फर्मिटी में गोल प्लस है, मीन्स भी प्लस है. इसका मतलब है कि जो कन्फर्मिटी वाले होते हैं, जो अपने जो मतलब कन्फर्मिंग सिटीजन होते हैं, सो इनका जो सोसाइटल गोल है वो भी पॉजिटिव ही रहता है, मतलब दे आर स्ट्राइविंग टू अचीव द कल्चरल गोल. जिस तरह हमने स्टेटमेंट में भी पढ़ा कि हर एक बंदा की सोसाइटी हर एक बंदे को इनकरेज करती है सोसाइटल गोल की अचीवमेंट के लिए, तो यहाँ पर कन्फर्मिटी वाले जो लोग हैं इनका वो कल्चरल गोल या सोसाइटल गोल जो होता है, जो अमेरिकन ड्रीम्स होते हैं, दे दिस इज प्लस, मतलब दे आर अचीविंग इट. लेकिन मीन्स जो है वो भी प्लस है, मतलब वो जो तरीका एडॉप्ट करते हैं वो भी लेजिटिमेट ही होता है, लीगल ही होता है. बट द रेस्ट ऑफ द फोर यू विल फाइंड डिफरेंसेस हियर. इनोवेशन में गोल प्लस है, मतलब दे आर स्ट्राइविंग फॉर द कल्चरल गोल्स, द सोसाइटल गोल्स. लेकिन जो मीन है, मतलब जो लेजिटिमेट वे है, वो लेजिटिमेट नहीं होता, वो इलेजिटिमेट होता है, इलीगल होता है, मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुब्तला होते हैं, मतलब वो जो अचीवमेंट करते हैं उन गोल की वो इलीगल होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी के जरिए होती है, इसलिए मीन माइनस है. तो इस तरह रिचुअलिज्म है गोल माइनस मीन प्लस, रिट्रीटिज्म में गोल माइनस मीन बी माइनस, रेबेलियन में गोल माइनस प्लस है और मीन बी माइनस प्लस है. तो इसको समझने के लिए मेरे साथ इस लेक्चर तक आखिर तक रहिए. एंड इफ यू पीपल डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल. सो लेट्स नो अबाउट दीज मोड ऑफ एडाप्टेशन. सो इन फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन द फर्स्ट वन इज कन्फर्मिटी इन विच गोल्स आर प्लस, मीन्स गोल्स आर पॉजिटिव एंड मीन्स आर ऑल्सो पॉजिटिव. सो लेट्स नो अबाउट इट. There are those people who accept the cultural goals, means who accept the American dreams, who accept the societal goals through legitimate means. आपको इन सैंपल से अंदाजा होना चाहिए कि या कल्चरल गोल्स आर पॉजिटिव एंड मीन्स आर आल्सो पॉजिटिव. सो वो लेजिटिमेट होंगे, इलेजिटिमेट नहीं होंगे. इट मीन्स दैट दे बिलीव इन अचीविंग द गोल्स लेजिटिमेटली. दे आर लॉ अबाइडिंग पीपल. ये लोग कानून को फॉलो करने वाले लोग है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है. फॉर एग्जाम्पल, a successful businessman who is economically successful because of his hard work or employment. एक जो कामयाब businessman है जिसने अपने आप को कामयाब किया है, अच्छा status बनाया है, अच्छा पैसा कमाया है, वो कामयाब है, economically sound है, because of his hard work and employment. अपने hard work की वजह से, अपने मेहनत की वजह से किसी criminal activity में वो नहीं रहा. So the first mode of adaptation belong to the conforming citizen जो कि कानून को follow करने वाले है. They achieve their cultural goals through legal means. अब पढ़ते हैं innovation या innovative people. The goals are plus but the means are minus here. So let's know about it. Those people who are accepting cultural goals, however, they reject the legitimate means to obtain cultural goals. So यहाँ पर इन criminals की बात आ जाती है कि ये तो यकीन रखते हैं to achieve the cultural goals, but the way they are achieving it, the means
द वे द मेथड इट इज इलीगल इट इज इलेजिटिमेट वो लेजिटिमेट नहीं होती सो दे रिजेक्ट द लेजिटिमेट मीन्स टॉप 10 कल्चरल गोल्स और वो फिर गैर कानूनी तरीका अपनाते हैं सो द मीन्स आर नेगेटिव एग्जाम्पल देख ले आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा एन एग्जाम्पल वुड बी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैमिली दे बिलीव इन द अमेरिकन ड्रीम्स It means they believe in the cultural goals. However, use illegitimate means to obtain these goals. Drug dealers, thieves are some examples of innovators because they believe in the American dream, but they are getting it through illegitimate means. So simple, they are criminal जो कि criminal activity में मुब्तिला रहते हैं जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव मनी इन ऑर्डर टू अचीव वेल्थ और उसके बाद ऑब्वियसली इफ दे आर हैविंग मनी सो दे विल हैव अ मैसिव बैंक बैलेंस एंड दे विल एंजॉय देयर लाइफ जो कि इस तरह के बड़े बड़े क्राइम करते हैं बैंक डकैती हो गई ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए सो दे बिलोंग्स टू द इनोवेशन मोड ऑफ एडॉप्टेशन नाउ लेट्स नो अबाउट रिचुअलिज्म यहाँ पर गोल्स माइनस है लेकिन मींस प्लस है नाउ यू हैव टू थिंक कि गोल्स ही नहीं है मतलब यहाँ पर वो अमेरिकन ड्रीम्स ही नहीं है तो अगर गोल ही नहीं है तो मींस किस तरह प्लस हो सकते हैं अगर एक बंदे का गोल नहीं है तो वो अचीव किस तरह करेगा सो इसको जरा पढ़ते हैं लेट मी एक्सप्लेन इट दीज आर दोस पीपल हु रिजेक्ट द कल्चरल गोल्स बट एक्सेप्ट द लेजिटिमेट मींस टू अचीव कल्चरल गोल्स अब यहाँ पर इस जुमले का क्या मतलब हो गया इसका यह मतलब है मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है इट मींस दैट हिज एम इज नॉट हाई यहाँ पर कल्चरल गोल है माइनस इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि इसका कोई गोल ही नहीं है कि ये जिंदगी में कुछ भी ना करे इसका यहाँ पर यह मतलब है कि वो ये वो लोग है जो बड़े गोल्स नहीं रखते ये अपनी जिंदगी को बस जारी रखते हैं कि बस खाओ पियो और जिंदगी गुजारो मतलब दे आर नॉट हैविंग अ मैसिव गोल कि गाड़ी हो बंगला हो बैंक बैलेंस हो फैसिलिटीज हो नहीं बस ये अपना दिन गुजारते हैं मतलब इनकी जो एम होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते सो इट मींस दैट हिज एम इज नॉट हाई दे आर नॉट शोइंग प्रोग्रेस इन देयर स्टेटस दे आर बाउंड टू वन जॉब और वन प्लेस तो ये लोग होते हैं जिनके गोल नहीं होते हाई एम्बिशंस हाई एम नहीं होते बट द वे दे आर लिविंग देयर लाइफ अपने जिंदगी को गुजारने के लिए वो लीगल होता है वो मींस जो वो पॉजिटिव होते हैं फॉर एग्जांपल अ पियन इज अर्निंग थ्रू आउट हिज होल लाइफ इन डिफरेंट जॉब मतलब कि एक पियन सारी जिंदगी एक ही जॉब में एक ही जगह पे रह के बस अपनी जिंदगी गुजार देता है सो या ही इज नॉट हैविंग हाई गोल्स बट द वे ही इज लिविंग हिज लाइफ दैट इज लीगल सो यहां पर इसका यह मतलब है नाउ लेट्स नो अबाउट द फोर्थ मोड ऑफ एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मार्टन एंड दैट इज रिट्रीटिज्म सो लेट्स नो अबाउट Who are retreatist people? So यहाँ पर goals भी minus है means भी minus है मतलब जो societal goals है वो भी negative है मतलब नहीं है और जो means है वो भी illegal है So इसको जरा समझते हैं कि इसका ये क्या मतलब है कि societal goals भी नहीं है लेकिन जो तरीका वो अपना रहे हैं जो वे ऑफ लाइफ वो अपना रहे हैं वो भी नेगेटिव है सो मतलब ना गोल है ना पॉजिटिव तरीका है वो भी नेगेटिव तरीका है जिसमें वो जिंदगी गुजार रहे हैं सो हु आर दे सो लेट्स नो अबाउट देम दीज आर दोस पीपल हु रिजेक्ट बोथ कल्चरल गोल्स एंड द लेजिटिमेट मींस टू कैरी आउट हिज लाइफ दे सिंपली अवॉइड बोथ द गोल्स एंड मींस एस्टैब्लिश्ड बाय अ सोसाइटी दे हैव नो कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी सो आई थिंक आप लोगों का आइडिया क्लियर हुआ होगा ना इनके कोई कल्चरल गोल होते हैं ना इनके कोई लीगल मींस होते हैं लीगल वे ऑफ लाइफ होता है ये दोनों को अवॉइड कर देते हैं मतलब ये वो लोग होते हैं जिनका इस माशरे में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता एग्जाम्पल्स आर ड्रग एडिक्ट्स जो कि आप लोगों के सराउंडिंग में होते हैं जो कि बस किसी कोने में बैठ के एडिक्शन ही करते हैं ना इनके कोई गोल्स होते हैं और ना ये अपना ये काम पॉजिटिव तरीके से करते हैं क्योंकि इनका काम ही इलीगल है तो किस तरह पॉजिटिव तरीके से करेगा तो मतलब वो उसको अपनाते भी इलीगली है सो ड्रग एडिक्ट्स हो गए सीवियर अल्कोहलिक हो गए हर्मिट्स वगैरह हो गए तो हर्मिट्स भी वो लोग ही होते हैं मतलब जिनका जिन्होंने बिल्कुल दुनिया से कतई ताल्लुक किया हुआ होता है और एक खानकाह में मलंग टाइप बैठे हुए होते हैं सो दे आर हैविंग नो कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी दे आर नॉट हैविंग एनी गोल्स एंड ये उन पांच मोड ऑफ एडॉप्टेशन में कुछ लोग रिट्रीटिज्म की तरफ आ जाते हैं मतलब इस तरह की जिंदगी बसर करते हैं सो अभी तक हमने चार पढ़े कंफर्मिटी जिनके सोसाइटल गोल्स भी होते हैं एंड दे आर अचीविंग इट पॉजिटिवली थ्रू लीगल वे इनोवेशन दे आर हैविंग द सोसाइटल गोल्स बट द वे दे आर अचीविंग दोज गोल्स दैट वे इज इलीगल फिर थे रिचुअलिज्म दे आर नॉट हैविंग द कल्चरल गोल्स इट मींस दैट दे आर नॉट हैविंग द हाई एम्स
दे आर लिविंग सिंपल इन अ डेड एंड जॉब इन अ सिंपल जॉब दे आर नॉट शोइंग प्रोग्रेस इन देयर लाइफ एंड रिट्रीटिज्म आर दोस who are not having goals as well as the legal means and they are not having any contribution in a society. Now let's know about the rebellion. Yahan par goals minus plus or means minus plus. Iska yahan par ye matlab hai ki jo goals hote hain inke so pehle minus yahan par rejection isse murad hai ki first they reject the goals aur phir plus hai and they emerge their own goals. मीन्स दे के ये भी माइनस प्लस है. मीन्स में भी इसका ये मतलब है कि दे रिजेक्ट द लीगल मीन्स और फिर प्लस है दे गिव बर्थ टू द अदर मीन्स जो कि ये जस्टिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव मीन्स है. तो मतलब ये पहले रिजेक्ट करते हैं कल्चरल गोल्स को और उस लीगल मीन्स को रिजेक्ट कर देते हैं और ये अपने मकासद पैदा कर देते हैं और उसको अचीव करने के लिए ये अपने लिजिटिमेट मीन्स भी पैदा करते हैं. अकॉर्डिंग टू देम वो लिजिटिमेट मीन्स होते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्टेट दे आर नॉट लिजिटिमेट मीन्स. सो दे आर दोज पीपल रेबेलियन, जिस तरह नाम भी रेबेलियन का दिया है, दैट दे आर दोज हु आर रिवोल्यूशनिस्ट, जो कि रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं. सो जब वो रिवोल्यूशन लाएंगे सो फर्स्ट दे हैव टू चैलेंज द सोसाइटी, फर्स्ट दे हैव टू चैलेंज द स्टेट, फर्स्ट दे हैव टू रिजेक्ट दैट और फिर वो अपने मकासद के हुसूल के लिए अपने मीन्स दरियाफ्त करेंगे उस मकासद को अचीव करने के लिए और जो फिर वो जस्टिफाई भी करते हैं कि हमारी जो लिजिटिमेट मीन्स है वो लीगल है, इलीगल नहीं है. सो आई होप आप लोग को आइडिया क्लियर हुआ होगा. मैं फिर भी बता देता हूँ, लेट मी रीड इट. दिस पीपल नॉट ओनली रिजेक्ट द कल्चरल गोल्स and legitimate means of attaining these goals, but they substitute new goals and new means of attaining these goals. वो सब्सटीट्यूट करते हैं न्यू गोल्स के साथ उसे और उसको अचीव करने के लिए भी वो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं. टू ब्रिंग रिवोल्यूशनरी चेंज एंड क्रिएट अ न्यू सोसाइटी आर क्रिएट न्यू रूल्स फॉर द सोसाइटी. सो दे आर दोज पीपल और ये बहुत कम होते हैं सोसाइटी में. मतलब वो जो फाइव मोड ऑफ एडाप्टेशन में ये रिबिलियन कम होते हैं. एग्जाम्पल, इफ अ कम्युनिटी चेंजिंग द सिस्टम ऑफ अ कंट्री and they want to replace to bring their own system. So for this goal, dekhiye ab. So is goal ke liye they reject the system through illegitimate means and want to implement their system with their own means. So they reject karte hai state ko, society ko, apne goals ke husool ke liye aur wo apne means ke saath, apne methodologies ke saath, apne us way of achievement ke saath wo aa jate hai usko hasil karne ke liye. So they are rebellion. So according to Robert Merton, that every society encourages its people to achieve some goals like wealth, possession, fame. When they strive to achieve those goals and they didn't get success in the achievement of those goals, then they frustrate and enomy develops. Enomy means strain, the anger, the frustration, the resentment, the emotional unpleasant condition. Then they adapt themselves into five modes of adaptation. So the first one was conforming. Second one was innovation, then ritualism, retreatism, and last but not the least, that was rebellion. So that was about the Robert Merton theory. So now let's know about the criticism on his theory. Strength theory fails to explain crimes based on gender inequality. It also fails to explain white collar crime. Strength theory has weak empirical evidence supporting it. And it also under-explained the conventional crimes, that is fighting, routine deviant behaviors, etc. So that was about the Robert Merton enomy theory of crime. I hope aap logo ko iski samajh aa gayi hogi. Mazid jo sociological theories of crime hai, to aap mere channel ke playlist pe jaake sociological theories bhi wahan se dekh sakte hai aur biological theories bhi wahan se dekh sakte hai. So still, if you people are having any confusion, so you can ask me questions in the below comment section as well. And if you people didn't subscribe my channel, so do subscribe my channel and press the bell icon as well in order to get notifications for the upcoming lectures. So thank you very much and God bless you.